बहुत अच्छे इंसान है और वाकई में टॉपर भी है, सिविल का भाई टॉपर नहीं हूँ, टॉपर टॉपर तो ये है भाई साहब। हेलो एवरीवन, आदाब, वेलकम टू एनए द ब्लॉग। आप लोग के माइंड में आ रहा होगा कि मैं ब्लॉग क्यों नहीं अपलोड कर रहा हूँ हर रोज, तो अभी तो मैं हूँ हॉस्टल में। ड्रेस से ही आप लोग को पहचान जा रहे होंगे कि मैं हॉस्टल में हूँ। और ये पीछे की तरफ मतलब वॉल है और ये रूम है पूरा, यहाँ जहाँ पे मैं हूँ यहाँ मैं मुलाकात कराता हूँ अपने कुछ फ्रेंड जो मेरे क्लासमेट हैं, बीटेक में मेरे साथ बीटेक कर रहे हैं। तो चलिए मैं उन सब लोग से आपसे मुलाकात करवाता हूँ। आ रहे हैं देखिए, तो ये है यूसुफ भाई। आदाब, वेलकम, अस्सलाम वालेकुम। यूसुफ भाई जो कि बिहार के रहने वाले हैं, और अपनी डिटेल यूसुफ भाई से जानिए। मैं महमूद भाई का बहुत नजदीकी दोस्त हूँ और महमूद भाई बहुत अच्छे इंसान है और वाकई में टॉपर भी है, सिविल का। भाई टॉपर नहीं हूँ, टॉपर तो ये है भाई साहब, हम लोग क्लास में बहुत अच्छे हम लोग तारीफ ये कर रहे हैं, लेकिन टॉपर मैं नहीं हूँ यहाँ पे। हम लोग अब पहले चलते हैं बाहर की तरफ और आपको दिखाते हैं हॉस्टल, मतलब कि ये बॉयज हॉस्टल कैसा है, हम लोग आप लोग को वैसा दिखाते हैं। तो ये सामने इमरान भाई आ रहे हैं इस तरफ से, आप देख सकते हैं। और अभी हम हैं सेकंड फ्लोर पे और पीछे की तरफ अंकित हैं, और इसका रूम नंबर मैं दिखाता हूं तो आप लोग देख सकते हैं, SF04। और इसके ये जो सामने वाला ये रूम है अशाफ का, और आगे की तरफ अनस का रूम है। और अभी हम लोग हैं सेकंड फ्लोर पे और इस हॉस्टल का नाम है मलिक हॉस्टल। कितने फ्लोर है पूरे? और उस तरफ देखिए, वो पीछे की तरफ, वो भी हम लोग के बैच में ही है, उसामा, उनका रूम है देख सकते हैं। और ये है, और एक छोटी से यहाँ पे वॉशिंग मशीन रखी हुई है, यहाँ लोग को दिखाते हैं उसकी कंडीशन क्या है, यहाँ पे कंडीशन क्या है, अच्छी है, बहुत अच्छी है, अच्छी है। और गीजर भी देख सकते हैं ऊपर, मतलब हॉस्टल अच्छा है। और इस तरफ बाहर की तरफ आपको मैं बाहर का लुक भी देता हूँ। मैं आ गया हूँ बिल्कुल ऊपर वाली फ्लोर पे मलिक हॉस्टल की, और आप लोग को दिखाता हूँ ऊपर से मेरा कॉलेज कैसे दिखता है। अब मेरे कॉलेज का नाम है जहांगीराबाद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और अब ऊपर की तरफ मैं आ गया हूँ, आप लोग को ऊपर दिखाता हूँ पूरा। पीछे यूसुफ है और एक और लोग से आपसे मुलाकात कराता हूँ, वो पीछे की तरफ इमरान जा रहा है। इमरान, आप देख सकते हैं इमरान भी बिहार से हैं और बहुत अच्छे फ्रेंड है मेरे। और ये है मलिक हॉस्टल की रूफ जिसपे हम लोग टहल रहे हैं। और सामने की तरफ आप लोग को मैं दिखाता हूँ अपना कॉलेज, सामने की तरफ इसको कहते हैं व्हाइट हाउस और गेस्ट हाउस, आप देख सकते हैं। और वो सामने हम लोग की बिल्डिंग सिविल डिपार्टमेंट LT बिल्डिंग, और बगल में है वो AB बिल्डिंग, और उस तरफ चले जाएंगे तो एकेडमिक ब्लॉक है। और ये रास्ते में आप देख सकते हैं ग्रीनरी यहाँ पे बहुत ज्यादा है, हर तरफ है ग्रीनरी। इमरान भाई कुछ कहना चाहेंगे अपने कॉलेज के बारे में? हाँ, हमारे कॉलेज बहुत ही अच्छा रहा, और हमारा अच्छा रहा कि अच्छा है ये बताइए, यानी हमारा 3 साल यहाँ पे अच्छा गुजरा, इसलिए हम बहुत अच्छा यहाँ समझे, और वाकई में पढ़ाई के हिसाब से देखे तो बहुत अच्छा रहा है। और स्पेशली हम लोग का सिविल डिपार्टमेंट में हम लोग के टीचर्स HOD और प्रिंसिपल सब बहुत सपोर्टिव हैं। अगर आप लोग एडमिशन लेना चाहते हैं सिविल डिपार्टमेंट में, तो कॉन्टेक्ट डिटेल मैं नीचे दे दूंगा, बहुत अच्छा है, आप यहाँ से कर सकते हैं। फीस की भी बात करें तो बहुत अच्छी फीस है, और पढ़ाई भी बहुत अच्छी है। AMU के टीचर्स यहाँ पे पढ़ाते हैं, और अच्छी अच्छी जगह के टीचर्स अच्छी क्वालिफिकेशन के साथ MTech PhD किए हुए हैं यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। और अभी यूसुफ भाई से भी जानते हैं इसके बारे में। यूसुफ भाई, तो टीचर्स के बारे में आपकी क्या राय है? जी, टीचर लोग बिल्कुल बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे एजुकेटेड बंदे हैं लोग, टैलेंटेड हैं, और टीचर भी बहुत अच्छे हैं। IIT कानपुर के हैं, IIT खड़गपुर के हैं, और AMU के हैं, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है एजुकेशन के मामले में, कॉलेज बहुत अच्छा है। तो आपने सुन लिया कि एजुकेशन के मामले में कॉलेज मेरा बहुत अच्छा है। अभी आगे की तरफ लेके चलता हूँ, और अभी तो मैं मलिक हॉस्टल की छत पे हूँ, और यहाँ से मैं आप लोग को अपने कॉलेज का मतलब बिल्डिंग तो दिखाई थी ना जैसे मैंने, अब आपको लोग को पास से अपनी बिल्डिंग दिखाता हूँ। तो ये देख सकते हैं, और वो सामने AB बिल्डिंग जिसकी बात मैंने आप लोगों से पहले बता दिया, LT बिल्डिंग, और वो सामने की तरफ आप देख रहे होंगे तो बीच में है गर्ल्स हॉस्टल, और बीच में है बॉयज हॉस्टल, और उधर सामने है बॉयज हॉस्टल, वो है ए ब्लॉक। और ये सामने जो आप लोग रोड देख रहे हैं जो जा रही है, इसके जस्ट बगल में इरम कॉमन कॉलेज की कई ब्रांचेस हैं, और यहाँ पे भी ब्रांच है। उसका बोर्ड मैं आप लोग को दिखाता हूँ, उसका बोर्ड होगा तो उसका बोर्ड आगे की तरफ है, वहाँ पे है इरम कॉमन कॉलेज, वो देखिए आप सामने बिल्डिंग देख रहे होंगे, तो वो इरम कॉमन कॉलेज की बिल्डिंग है। वो सामने की तरफ आप देख रहे हैं तो वो है स्टाफ क्वार्टर,
देख रहे हैं आप लोग स्टाफ क्वार्टर सब देख रहे हैं वो वहाँ पे, तो वो है गार्डन एरिया, देख सकते हैं बहुत ही अच्छा गार्डन एरिया है वहाँ पे। इसका एक ब्लॉग मैं बनाऊंगा पर्सनली अलग, पूरा बहुत अच्छा से ब्लॉग बनाऊंगा जिसमें मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगा। और अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो जहांगीराबाद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सर्च करिएगा यूट्यूब पे, आपको एक ब्लॉग पहले से भी मौजूद है वो मिल जाएगा। इसी वजह से मैंने बनाया नहीं, लेकिन अगर आप लोग की डिमांड रहेगी तो एक ब्लॉग मैं बनाऊंगा। गार्डन जिसको मैं ऊपर से दिखा रहा था आप लोग को, आप देख सकते हैं ये पूरे में है गार्डन, इधर से उधर, अब उधर की तरफ जा रहा हूँ और सामने है आप देख सकते हैं ग्राउंड है। और ये आप लोग को कैसा लगा ब्लॉग, छोटा से ब्लॉग बनाया है अपने दोस्तों के साथ में। अगर आप लोग को चैनल अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को करना है सब्सक्राइब, लाइक करना है, शेयर करिए। थैंक यू।